आज की रेसिपी है उड़द चने की दाल। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने लिया है चने का दाल। तो आपको जितना ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है वो हिसाब से आप दाल ले सकते हैं। और इसमें हम फिर डालेंगे उड़द की दाल। उड़द की जो छिलके वाली दाल है वो है, और आप धुली दाल भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसा दाल आपको पसंद है वो आप डालें। तो थोड़ा सा ये डालेंगे हम, और ये दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम डालेंगे कुकर में, क्योंकि कुकर में दाल डाल के इसको अच्छे से हम इसको वॉश करेंगे, क्योंकि जब ये दाल हम बनाते हैं तो बहुत सारा पानी डाल के अच्छे से 3-4 बार आप वॉश करें, क्योंकि नहीं तो ये दाल में पता नहीं कितना केमिकल डाल के दाल रखते हैं, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो अच्छे से इसको हाथ से मसल मसल के हम दाल को धो लेंगे 3-4 पानी तक, इस तरह। ये देखिए अच्छे से 3-4 बार इस तरह पानी डाले, अच्छे से इसको अच्छे से मसल मसल के इसका पानी फेंके, फिर आप दूसरा पानी डाल के आप करें। तो ये जो पानी दाल है अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप दाल बनाए, दाल या राइस या कुछ भी हो, तो वॉश ज़रूर करें। तो ये देखिए इस तरह मैंने दाल को वॉश कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम पानी। ऊपर से इतना मैंने पानी डाला है, आप ज़्यादा ही की कुकर भर के पानी मत डालना, नहीं तो ये दाल जो है ना उबल के निकल जाता है बाहर। हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से जो दाल है जल्दी गल जाता है, और हल्दी भी पहले डालेंगे तो इसका कलर जो अच्छा आता है। अभी कुकर को हम बंद करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, गैस को हम और ऑन करेंगे, गैस के ऊपर हम दाल को चढ़ा देंगे। अभी ये दाल को 3-4 सीटी लगने तक हम पकाएंगे। 4 सीटी हो गया है, दाल को खोल के हम देख लेते हैं, क्योंकि जब भी आप कुकर का ढक्कन खोलें ऊपर का हवा बिल्कुल निकला हुआ ना होना चाहिए, और कुकर आपकी ठंडी होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है कि जो आपका हाथ जल सकता है पूरा उबाल के, या फिर कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए कुकर ठंडे होने के बाद ही आप खोलें। दाल हमारा रेडी है, तो दूसरी तरफ हम दाल को तड़का लगाएंगे। और मैं लिया है एक फ्राई पैन, और उसमें डालेंगे घी। घी तेल आप कुछ भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। घी तेल जो भी डाले डाले। तो अभी तेल हमारा थोड़ा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे ऊपर से हम हींग, क्योंकि जो उड़द की दाल होती है कहते हैं बाही होती है, तो इसमें हींग ज़रूर डाले, तो इससे जो हमारा पेट है वो भी ठीक रहता है और अच्छा भी लगता है, इसका खुशबू भी नाइस आता है। ऊपर से जीरा मैंने डाल दिया है, और गार्लिक को खूब सारा मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया है। गार्लिक को हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। ये देखिए जो गार्लिक है हमारा ब्राउन हो चुका है। ऊपर से मैंने हाफ मैंने काटा था ऑनियन चॉप करके उसको मैंने डाल दिया है, और उसी के साथ मैंने थोड़ा जिंजर भी काटा था, वो भी मैंने डाल दिया है। तो ये हम तीनों को अच्छे से पकाएंगे, जब तक प्याज हमारा ब्राउन नहीं होता तब तक इसको भूनना है। ये देखिए प्याज हमारा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है, और टमाटर मैंने चॉप करके रखा था वो डाल दिया है। आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी अच्छा लगता है वो आप डालें। अभी ये प्याज और जो टमाटर है ये अच्छे से हम तेल छोड़ने तक इसको भूनेंगे, अच्छे से 3-4 मिनट इसको पकाएंगे। ये देखिए 3-4 मिनट हो गया है, बिल्कुल हमारा जो ये जो मसाला है बिल्कुल रेडी हो गया है इसमें जो वो करने के लिए। और ऊपर से हम थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा हम गरम मसाला, इसको अच्छे से फिर 2-3 बार चलाएंगे इस तरह। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया। अभी हम दाल में इसको डाल देंगे। दाल में डालने के बाद सारे को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए दाल हमारा कितना अच्छा बन गया है, और खाने में ये राइस के साथ या रोटी के साथ जैसे मर्जी आप सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह बनाओ। ऊपर से डालेंगे खूब सारा हरा धनिया, इसके ऊपर आप थोड़ा सा अगर बटर अगर पसंद करते हैं तो ऊपर से आप बटर डाल के ये दाल को सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा दाल बनाए, और आप भी इस तरह बनाए तो मेरे रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, कैसा लगता है ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट करना, और प्लीज़ मेरे चैनल जो है ना नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन है प्लीज़ उसको भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाएगा। ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है, अब इसको इस तरह मिक्स करके आप सॉप करें।